नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। 383 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मेरे साथ मेरी दोनों सहयोगी नेहा और मीनाक्षी बनी हुई है। अब बुलेटिन के इस हिस्से में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि अब हम बात करेंगे राम मंदिर के मॉडल की, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का जो नया मॉडल होने वाला है उसकी नई तस्वीर सामने आई है। नेहा, किस तरह की होगी, कैसे शुरुआत होगी, बताएं। बिल्कुल, और पूरे आर्किटेक्चर को, जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया जाने वाला है उसको बदल दिया गया है। शुरुआत में ये मंदिर 2 मंजिला होने वाला था मीनाक्षी, लेकिन मंदिर कमेटी के रिकमेंडेशन पर अब इसे 3 मंजिला बनाया जाना है। बिल्कुल नहीं, और देखिए सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि राम मंदिर की चौड़ाई और लंबाई भी बढ़ाई गई है। इस मंदिर का स्वरूप क्या होगा, कितना ये भव्य होगा, आइए आपको सुनवाते हैं सीधे जिन्होंने मंदिर डिजाइन किया है, उन्होंने इस पर जानकारी दी। हमारी संवाददाता गोपी ने उनसे बात की। निखिल भाई, ये बताइए क्या क्या मंदिर में बदलाव हुए हैं? मंदिर बदलाव ये हुआ है गोपी बहन, पहले जो हमारा मंदिर था, पहले एक ही मंडप यहाँ तक, मैं आपको ऐसे प्लान में दिखा हूँ तो मंदिर यहाँ तक ही था। यहाँ से प्रवेश चौकी थी, ये नृत्य मंडप था, ये अंतराल था, आगे गुण मंडप हो गया और ये गर्भगृह और आगे परिक्रमा, यहाँ तक मंदिर था। फिर ये सोचे हुए कि भाई कि अभी पहले, हाँ ये नक्शा पहले बनाया गया था 84-85 में, अशोक जी सिंघल, माननीय अशोक जी सिंघल जो विश्व परिषद के अध्यक्ष थे उनकी निगरानी में तब डिस्कशन हुआ उस टाइम। तो 1950-85 में यात्रियों की संख्या उस अयोध्या में इतनी कम भीड़, इतना लोग यात्रा लोग कम आते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन ये 85 से लेकर 2020 तक 35 साल निकल गए, इस 35 साल का समय जो निकला उसके अंदर राम के प्रति आस्था खूब बढ़ी। इतना केस चला, लोगों मीडिया में मॉडल बना, लोगों खूब बात चली, लोगों की आस्था बढ़ गई। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब रोजाना अभी यात्री 1 लाख से ऊपर यात्री आएंगे तो उनको असुविधा न हो, उनको दर्शन आराम से राम लल्ला के, भगवान राम के दर्शन हो जाए, इसलिए आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ मंदिर को विस्तार रूप थोड़ा मंदिर बड़ा किया जाए, ऐसी हमारी मीटिंग में चर्चा हुई। तो इस हिसाब से हमने ये प्लान में देखे तो हमने आगे उत्तर दिशा में एक ये मंडप बढ़ाया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दक्षिण दिशा में भी एक ये मंडप बनाया गया और आगे के पूर्व दिशा में भी एक ये और मंडप बढ़ाया गया। तो 3 मंडप बढ़ाने से थोड़े यात्रियों का फ्लो, जो मतलब जो हजारों की संख्या अब लाखों की संख्या में बढ़ेंगे तो उनको यात्रियों को भगवान के राम लल्ला के और भगवान राम के दर्शन आराम से हो जाए, तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा ये विस्तार बढ़ाया गया। अब ये विस्तार बढ़ाने से हमें थोड़ी मंदिर की हाइट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। तो पहले जो 2 मंजिल का मंदिर बनाया था अभी हमने 3 मंजिल के करके अब 3 मंजिल बना के फिर उसके ऊपर शिखर बन के हम मंदिर को विस्तार, उसकी भव्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया। दूसरा, इसके अंदर भगवान रामलला की, ये देखिए यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ भी लोग कीर्तन करेंगे, बैठेंगे, यहाँ से यात्री जाएंगे, यहाँ भी लोग बैठेंगे, यहाँ से रोड लगाई जाएगी, लोग यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ सब कीर्तन या वेटिंग एरिया होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।